नमस्कार, मैं हूँ चेतना मनोहर, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं अभी की खबर पर। बहराइच में एक लेखपाल द्वारा एक किसान के खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने का मामला सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट। बहराइच में लेखपाल ने किसान परिवार के साथ बहुत बड़ी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। मामला शहर के नूरुद्दीन चौक का है, जहां लेखपाल बराती लाल वर्मा ने किसान के खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। बताया जा रहा है कि लेखपाल बराती लाल वर्मा किसान की भूमि को जबरन ग्राम समाज दिखाकर पुलिस बल के साथ अतिक्रमण शुरू कर दिया, जबकि पीड़ित किसान को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। ना कोई सरकारी कागजात दिखाया गया और उसके खेत पर जो नौकर मौजूद था उसके साथ लेखपाल और पुलिस ने बड़ी बदसुल्की से बात कर उसे खेत में धक्का दे दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आ गई। जब खेत का मालिक पहुंचा और उसने अपनी सभी दस्तावेज दिखाए तो लेखपाल और पुलिस के पसीने छूट गए और वो मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। इलाहाबाद में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान करने और घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इलाहाबाद में करचना थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में दो दिन पहले पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करना और घर में घुसकर तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है। मामला होली के एक दिन पूर्व का है, जब रात को तकरीबन 9 बजे भारती और ठाकुर बिरादरी के बीच कहासुनी हुई, जिसको लेकर 100 नंबर डायल किया गया। वही 100 नंबर की गाड़ी पहुँचने के बाद दोनों पक्ष के लोग वहाँ से फरार हो गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद पुनः हल्का SI 3 अन्य सिपाहियों के साथ निकले और मौके पर फतेहपुर की नहर की पुलिया के पास पटेल बिरादरी के लड़के की हल्का SI से मुलाकात हुई और SI ने उसे पूछताछ के दरमियान उसे मार पीटने लगे और जबरन उसे बैठा कर थाने लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका विरोध करने पर पुलिस वाले उसे मारने पीटने लगे और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। कहां से? चक्की घर चौराहे से। अच्छा। गांव गरन नहरी पर कदम भीड़ ने मारपीट का कारण जानना चाहा, लेकिन लोगों के पूछने के बावजूद भी पुलिस ने किसी भी तरीके से जानकारी नहीं दी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। कुशीनगर में कुंवारी लड़की ने एक पुत्र को जन्म दिया, वहीं पुलिस और अस्पताल के डॉक्टर और नर्सरों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। कुशीनगर जिले के जिला अस्पताल में कुंवारी माँ ने पुत्र को जन्म दिया, वही प्रसव पीड़ा से करा रही नाबालिग को पुलिस जिला अस्पताल के गेट पर छोड़कर चलती बनी और धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर व नर्स इस लड़की का इलाज करने की बजाय धुतकार कर भगा दिया। मामला कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाने के जहां गांव की रहने वाली नाबालिग की दोस्ती धर्मेंद्र नाम के एक युवक से हो गई। अल्पसंख्यक बिरादरी की अति गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली नाबालिग युवक के चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। दूत युवक शादी का झांसा देकर नाबालिग का लाभ उठाता रहा। वही अवैध संबंधों के चलते जब लड़की के मां बनने की खबर हुई तो पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने दो संप्रदाय का बहाना बनाकर शादी करने से इनकार कर दिया। वही डॉक्टर व नर्स ने दर्द से बेहाल नाबालिग की दवा करने के बजाय धुतकार कर खदेड़ दिया। किसी तरह से नाबालिग की मां ने खुद प्रसव कराया। प्रसव होने के बाद नाबालिग को किसी तरह से बेड नसीब हुआ। वह इस मामले में ना पुलिस कुछ बोलने को तैयार है, ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मृत्युंजय पांडे की रिपोर्ट। संबल में एक युवक की पत्नी से नाजायज संबंध रखने वाले आरोपियों ने उसको गोली चलाकर घायल कर दिया। संभल में सऊदी से लौटे एक युवक को उसकी पत्नी से नाजायज संबंध होने की वजह से आरोपियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि जनपद संभल के थाना हयात नगर इलाके के रहने वाले एक युवक कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहा है। आरोप है कि उसी के साड़ू ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ अवैध संबंध बनाए, जिस वजह से वह पीड़ित युवक को अपने रास्ते से हटाना चाहता था तो उसने उसकी पत्नी को अपने अभाव में लेकर युवक से उसकी पत्नी का तलाक करवा दिया और धमकी दी कि अगर तू तलाक नहीं करेगा तेरी पत्नी पर आंख उड़ेल कर आरोप तुझ पर ही लगाएंगे, जिसे पीड़ित ने अपनी पत्नी से तलाक मंजूर कर लिया, जिसके बाद वह निजी काम से संभल आया था। तभी घर के पास उसके साड़ू और कुछ लोग वहां पहुंचे और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगे। जी मेरा नाम मोहम्मद आशकार है। कहां रहते हो? हैबतपुर रहते हैं। किस बिना पर गोली मारी? किसने गोली मारी आपके? मेरी बीवी के नजायज संबंध है इसके साथ हाफिज रिहान के,
और हाफिज रिहान ने मुझे गोली मारी आज सुबह 11:25 कितने लोगों ने पकड़ा जब आपको गोली मारी गई थी? एक ने साले ने मेरे हाफिज रिहान वो सुभान नाम है उसका उसने मेरी गोलियां मारी। हाफिज रिहान ने बाइक पे से उतर के मेरी गोली मारी टांग। सुभान और नुमान साले तुम्हारे? जी जी, तो ये साले ने गोली आपके टांग में लगी मतलब जी टांग में गोली मारी उसने कहा तुझे बहुत जान से मार दूं तो मैंने माफी तिल्ला करी। मैंने यहां कौन लेके आया कुछ अस्पताल में? मुझे एम्बुलेंस लेके आई है सरकारी हॉस्पिटल की। पुलिस को सूचना नहीं दी आपने? पुलिस को सूचना दी 100 नंबर को मैंने कॉल की थी। 100 नंबर आई थी? जी 100 नंबर को मैंने कॉल किया थी। विरोध करने पर आरोपी उसकी टांग पर गोली मारकर फरार हो गए। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को अस्पताल भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक और फौरन हाजिर होंगे हम ब्रेक के बाद। आशा के दीप जलाती वो आशा ही कहलाती वो नारी है नारी को समझे मातृत्व की बात बताती वो कभी राह चलते चलते कभी खुल के बातें करती वो स्वस्थ बच्चे हों हर आंगन आशा ये ले आती वो जननी सुरक्षा की बातें जन जन को समझाती वो सही समय पर सही सलाह और उपचार दिलवाती वो स्नेह सभी का पाती वो राह उचित दिखलाती वो आशा है नव भारत की आशा ही कहलाती वो स्वस्थ भारत के निर्माण में ये है इनका योगदान। और आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से आपसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुमेरपुर में भाजपा के होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सुमेरपुर में भाजपा का होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सुमेरपुर विधायक मदन राठौड़ सुमेरपुर नगर पालिका अध्यक्ष जोरा रामजी कुमावत भाजपा जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शिरकत ली। राजस्थान के सुमेरपुर से जितेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। सिरोही में पुलिस ने पेट्रोल पंप डकैती का खुलासा करते हुए 4 अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट। सिरोही पुलिस ने मंडार के मगरीवाड़ा के पास झांकर डीजल पंप नामक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद अपराधियों द्वारा की हुई डकैती का वारदात का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 डकैतों को गिरफ्तार किया। गत माह की 17 फरवरी को बिना नंबर की सफेद इनोवा गाड़ी में आकर पेट्रोल पंप से पिस्तौल दिखाकर 61,000 रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही इसमें शामिल आरोपी 2 गैंग के जरिए वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि रेवदर डीएसपी देवाराम व थाना अधिकारी दिलीप खदाव को बड़ी मशक्कत के बाद इन शातिर डकैतों को पकड़ने में सफलता मिली। ये दिनांक 18 फरवरी की घटना है रात्रि की जिसमें मंडार थाने में पेट्रोल पंप में 5 लोगों ने हथियारबंद होकर के डकैती की थी। उस प्रकरण में सभी जो गैंग को हमने ट्रेस आउट कर लिया था और उसमें कुछ मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसी गैंग के साथ साथ एक दूसरी गैंग और है उस गैंग ने भी गुजरात में 80 लाख की डकैती की थी। उसके बाद उस गैंग को यहाँ से पकड़ भी लिया गया था। पकड़ने के बाद फिर यहाँ से वापस वो जब वो गुजरात में जब चल रहे थे पीसी पे चल रहे थे उसी दौरान कस्टडी के दौरान भाग गए थे। इस घटना में विक्रम सिंह और मंगल कोहली दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी साथी उनकी भी तलाश है। इसके साथ साथ जो गुजरात पुलिस के धानेरा की जो वारदात है 80 लाख की जो वारदात है उसमें छैल सिंह उसको गिरफ्तार किया गया है। छैल सिंह के विरुद्ध बीकानेर में कोटगेट थाना टोडाराय सिंह टोंक किशनगढ़ अजमेर राज्य के विभिन्न थानों में लूट और डकैती के अनेकों प्रकरणों में वो पाली जिले में बहुत स्टैंडिंग वारंटी चल रहा है। वही जिस गाड़ी से पेट्रोल पंप पर लूट की गई थी वह इनोवा गाड़ी भी दरअसल लूटी हुई थी। राजस्थान के सिरोही से लियाकत अली की रिपोर्ट। तरनतारन में नवजोत कौर की किर्गिस्तान में चल रही सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में जीत हासिल करने के बाद परिवार वालों के द्वारा मिठाई बांट कर जश्न का मनाया गया। तरनतारन के गाँव बागडिया के रहने वाली नवजोत कौर ने किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रही सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में महिला 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। यहाँ पे
ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਐਜ ਏ ਕੋਚ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਆਉਣ ਡੇ ਪਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਆਉਣ ਡੇ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੌਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਰਟੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। वही नवजोत ने फाइनल मुकाबले में जापानी महिला पहलवान मियू इमाई को 9-1 से पराजित किया और अपनी पुरानी हार का बदला भी चुकाया। वही घर के सभी लोगों ने और नवजोत कौर के कोच ने इस मौके पर उसे बधाई दी। पंजाब के तरन तारण से सुखजिंदर सिंह की रिपोर्ट। विवादों में घिरी रहने वाली गुला नगर पालिका एक बार फिर नाजायज कब्जे को लेकर विवादों में घिरी है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट। विवादों में घिरे रहने वाली गुला नगर पालिका के साथ आए दिन कोई न कोई नया विवाद जुड़ा रहता है। इस बार विवाद नगर पालिका चिका पर नाजायज कब्जा करने के आरोप का है, जिसमें शिकायतकर्ता जगजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका चिका के सचिव चेयरपर्सन व वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद में मिलकर सब्जी मंडी के पास लगती मार्केटिंग कमेटी हुड्डा के जमीन पर आंगनवाड़ी के बहाने नाजायज कब्जा करना शुरू किया हुआ है, जिसके संबंध में विभिन्न अधिकारियों से बात की कोई सुनने को तैयार नहीं है। मार्केटिंग बोर्ड की जमीन होने के कारण कई दिनों से शिकायत व आरटीआई की, लेकिन सचिव मार्केटिंग कमेटी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कार्यालय से नदारद मिलते हैं। उठाने के लिए कभी कोई आ गया, इनके लिए पक्के मकान हो, ये जगह पक्की की जाए इनके नाम पे, और इनको सुनिए है ये जमीन है मार्केटिंग बोर्ड की और हुड्डा की डिस्प्यूटेड जमीन है। नगर पालिका सचिव जो कि विधायक कुलवंत बाजीगर का भतीजा है और चेयरपर्सन और ये मौजूदा पार्षद बलकार सिंह, ये मिलके इस जगह पे कब्जा करने आंगनवाड़ी के नाम पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बारे आपने किसी को अवगत? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमने नगर पालिका को लेटर में दिया है मार्केटिंग कमेटी के सचिव को, जबकि सचिव ने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया, वो भी इन्वॉल्व है इनके साथ। तो अब किस तरह की कार्रवाई करते हैं? हम चाहते हैं भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि जो ये गरीब लोग हैं ये फुटबॉल की तरह पीछे ना, कभी कोई आ गया इनको उठाने के लिए कभी कोई आ गया, इनके लिए पक्के मकान हो, ये जगह पक्की की जाए इनके नाम पे और इनको सुविधा दी जाए। जब इस बारे में हुड्डा के प्रशासक और कैथल की SDM कमलप्रीत कौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है और यहाँ चल रहे काम पर रोक लगा दी जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गुला चिका से बी कुमार गागत की रिपोर्ट। मुमताज जवीरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में अभी के बस इतना ही। चेतना मनोरी को दीजिए इजाजत, लेकिन अभी चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई सूचना है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल @gmail.com पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenewsco.in पर। नमस्कार।